ये सत्ता विमर्श का यूट्यूब चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 9304 नए मामले सामने आए हैं और 260 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से मौत का आंकड़ा 6000 के पार हो गया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में आवाजाही के लिए एक कॉमन पास बनाना होगा, जिसकी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तीनों राज्यों में मान्यता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच हुए वर्चुअल समिट में रक्षा और टेक्नोलॉजी समेत 7 समझौतों पर दस्तखत किए गए और 2 घोषणाएं की गईं। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने का ये सबसे सही वक्त है। मॉरिसन ने पीएम मोदी से कहा कि ऐसा ही होगा। तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल 960 विदेशियों के भारत आने पर 10 साल तक सरकार ने रोक लगा दी है। इससे पहले उत्तरी दिल्ली में इसी साल 24 फरवरी को हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में पुलिस ने नई चार्जशीट पेश की थी। इसमें कहा गया था कि हिंसा के तार तबलीगी जमात और दारुल उलूम देवबंद से जुड़े हैं। बजाज ऑटो के प्रबंध निदेशक राजीव बजाज ने कहा है कि लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत गहरी चोट पहुंची है। लोग सच बोलने से डरने लगे हैं। दुनिया के लोग कहते हैं कि भारत में एक तरह का ड्रेकोनियन लॉकडाउन है, ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ है। राजीव बजाज ने ये बातें राहुल गांधी से बातचीत में कही। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर बुधवार 3 जून को गाजियाबाद स्थित देश की मशहूर साइकिल कंपनी एटलस ने अपना सबसे बड़ा कारखाना बंद कर दिया। कंपनी ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए कारखाने को बंद करने की बात कही है। इससे हजारों मजदूरों का भविष्य अधर में लटक गया है और वे संकट में आ गए हैं। चीन ने कहा है कि वह अमेरिकी एयरलाइंस को अपने देश में सीमित उड़ानों की अनुमति देगा। चीन का ये बयान तब आया है जब अमेरिका ने एक दिन पहले चीन की सभी फ्लाइट्स की एंट्री पर बैन लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि चीन दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन कर रहा है। चीन में कोरोना वायरस संक्रमण का खुलासा करने वाले डॉक्टरों की टीम में शामिल डॉक्टर हु विफेंग की भी कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। वो कोरोना से मरने वाले इस टीम के 6 सदस्य हैं। हु विफेंग चीन में कोरोना वायरस की सबसे पहले चेतावनी देने वाले विसल ब्लोवर डॉक्टर ली विनलियांग की टीम का हिस्सा थे। आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यदि 6 महीने की अवधि के मॉरेटोरियम के लोन पुनर्भुगतान को ब्याज मुक्त कर दिया गया तो 2.1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। केंद्रीय बैंक ने जोर देते हुए कहा कि मॉरेटोरियम का मकसद केवल लोन भुगतान की जिम्मेदारी को स्थगित करना है, न कि भुगतान से छूट देना। गुदगुदाती रोमांटिक फिल्मों के भगवान कहे जाने वाले बासु चटर्जी का 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। बॉलीवुड में बासुदा के नाम से मशहूर फिल्म निर्देशक बासु चटर्जी को छोटी सी बात, रजनीगंधा, बातों बातों में एक रुका हुआ फैसला और चमेली की शादी जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।